5th movie, 10th April 1984, कुमारों से मुलाकात। कुमार जीवन में बच जाना क्या है? सबसे खुशी की बात है। और क्या है? उन्नति का मार्ग है, भाग्य की निशानी है। और किशोर भाई, कुमार जीवन में बच जाना यह क्या है? ये लॉटरी है, वरदान है, वरदान है, स्वर्ग जैसा है और जन्नत है। और राम भाई, कुमार जीवन में बच जाना यह क्या है? अशोक भाई, संतोष भाई, कुमार जीवन में बच जाना यह क्या है? बाबा कह रहे हैं कुमार जीवन में बच जाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। बाप दादा को कुमारियों को देखकर हजार गुना खुशी होती है, क्योंकि संडे की मुरली आने वाले कसाईयों के हाथ से बच गई। ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं बाबा ने। बाप दादा को कुमारियों को देखकर हजार गुना खुशी होती है, क्योंकि कसाईयों से बच गई। कुमार जीवन में बच जाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए, कितने झंझटों से बच गए शिवानंद भाई। बहुत। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है। दूसरों के अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त। मंजू बहन कौन है? कुमार और कुमारिया नहीं, दूसरों के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव के बंधन। अच्छे बुरे कर्मों का जो प्रभाव है वो भी बंधन है। उससे जो मुक्त है वो कौन है? तपस्वी आत्माएं। आज का स्लोगन है तपस्वी आत्माएं वो है जो अच्छे दूसरों के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव से भी जो मुक्त है, सभी प्रकार से मुक्त, इम्प्रेस्ड भी नहीं है किसी से। काम विकार की तीन परिभाषाएं हैं। एक तो काम विकार, दूसरा उसका जो सूक्ष्म रूप है वो है अटैचमेंट, और तीसरा सबसे सूक्ष्म रूप है वो है टू गेट इम्प्रेस्ड, किसी से इम्प्रेस हो जाना। और आज के स्लोगन के हिसाब से अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव, उससे भी जो मुक्त है वो भी एक बंधन है। उससे जो मुक्त है वह तपस्वी आत्माएं है। कुमार अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं है। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना, ये दूसरे अर्थों में वाक्य है। टॉपिक चेंज हो चुका है यहां पर। कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना, इसके लिए केवल शब्दों को नहीं पकड़ना, भावार्थ को पकड़ना, क्योंकि आगे का कनेक्शन इससे है। फ्री रहना माना बोझ उठाना है, इसके लिए किसमें बांधो? कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। कैसी सेवा करो? अपने अनुभव से सेवा करो। अनुभव ही ऐसा है कि उसी से सेवा होती है। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएंगे। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, यह समझकर करो। क्या कहा? कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना, इसके लिए फ्री नहीं रहना है। क्या करना है? कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन, श्रीमत आज्ञा फरमान, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है,
कुमारों को लौकिक में रहते हुए अलौकिक सेवा करनी है। उसमें से एक सेवा है आत्माओं को मधुबन तक ले आना। शिविर, कॉन्फ्रेंस, भट्टी, बाबा मिलन, चाहे ब्राह्मण आत्मा है चाहे बाहर की आत्मा है, उसमें मुख्य एक है शिविर में ले आना, कॉन्फ्रेंसेस में ले आना। ये दो मुख्य सेवाएं हैं। तो या फिर उधर ही प्रोग्राम अरेंज करना, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। अनुभव सुनाने की जो परंपरा है वो केवल यही इसी पाठशाला में है। संसार में पाठशालाओं की पाठशाला और यज्ञों का यज्ञ, ऐसी परंपरा, सत्संगों का सत्संग, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, ऐसी परंपरा और कहीं नहीं है। अनुभव सुनाना तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है। जो जो जहां जहां जैसी भी सेवा है, जो वो जॉब कर रहा है, उसी में से अलौकिक को प्रत्यक्ष करना है। तो एक तो बताया मधुबन में आत्माओं को ले आना, दूसरा है वहां प्रोग्राम अरेंज करना और अनुभव कराना, अनुभव सुनाना, अपना अनुभव सुनाकर सेवा करना, दूसरा अनुभव कराना आत्माओं को, और अपने व्यवहार से सेवा करना, उनके दुख दर्द में थोड़ा सा उनको सपोर्ट देना, अगर कोई बीमार है तो उसे देखने जाना। लौकिक में रहने वाले कुमारों की बात है, जो संसार में रहते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हुए भी अलौकिक सेवा करे। कैसे? बीमार है स्वरूप बनकर संपर्क में आते उनको बाबा का संपर्क, जो भी संपर्क में आते हैं उनको परख कर, नाड़ी देख कर, जांच कर उनकी सेवा करना। जीवन के आदर्श हमारे जीवन में कायम रखकर उस फील्ड में जो है उसमें ही परफेक्ट बनना, समय पर सहयोग और लिटरेचर से सेवा। हाँ, ये भी एक अच्छी सेवा है, लिटरेचर से या फिर सीडी। सबसे अच्छा गिफ्ट अगर किसी को जो देना है वो है बुक का, बुक्स का गिफ्ट देना, या फिर कोई तो सीडी, हाँ उस तरह का गिफ्ट देना, एक पेन ड्राइव, और जिसमें सब अच्छे अच्छे क्लासेस या कुछ जो जो हमको अच्छा लगता है उसमें श्रेष्ठतम है वो, उसका गिफ्ट देना, वो सबसे अच्छी गिफ्ट है। बजाय इसके कि फ्लावर पॉट और वो ये या संसार की चादर और कपड़ा और चप्पल और ये इस तरह के जो गिफ्ट है, सेंट और ये जो भी कुछ गिफ्ट, देहो भाग में जन्म देने वाले गिफ्ट नहीं देने। ऐसे गिफ्ट दो कि जो, हाँ जैसे सबसे अच्छा जो गिफ्ट है आदिदेव जो किताब है, जीवन को पलटने वाली अद्भुत कहानी, या फिर मम्मा की जीवन कहानी, क्योंकि जीवन कहानी पढ़कर आत्माओं में जितना, क्योंकि बाकी वैल्यूज की जो किताबें है वो तो संसार में भी बहुत है। हाँ नहीं, पर इस तरह की किताबें संसार में बहुत सारी है, देखकर व्यक्ति कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उस अनुसार उसे गिफ्ट देना। पर सबसे अच्छी जो गिफ्ट है वो है बुक्स और सीडी या पेन ड्राइव और पीछे पड़े रहना उसके, बार बार उसको बुलाते रहना, आमंत्रण देते रहना, एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, थकना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है उसके ऊपर, ये आते क्यों नहीं, हम कितना पुकारते बुलाते हैं इनको, अभी हम नहीं जाएंगे इनके पास, बहुत हो गया। उसको पहले अपना बनाना, दिल उसको अपना बनाना। हर एक का अपना समय है भाग्य खुलने का, इसके लिए छोड़ना नहीं है, उनके ऊपर नाराज नहीं होना है, नहीं तो नाराज हो जाते ना। अगर हमने सब कुछ किया उनके लिए, टिकट बनाया और 11th आवर एकदम एन वक्त पर उन्होंने कहा हमको नहीं आना है, तो गुस्सा भी तो आता है थोड़ा, पहले बोलना चाहिए था। चलो एक बार हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर छोड़ देते उनको बुला, क्योंकि ये कार्य किसका है, हम बुला किस लिए रहे,
उनके ऊपर नाराज नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान में तो है नहीं परवश आत्माएं हैं। तो और भी कुछ कर सकते हैं कुमार? नया कुमार बैठा है ना, कैसे करेंगे सेवा? स्कूल में सेवा कैसे करोगे अपने साथियों की, दूसरे फ्रेंड्स की? हाँ, बाल शिविर होता है ना, उसमें लेके आना। और क्या करोगे बोलो? नहीं, थोड़ा नीचे का बोलो। ऊंची सोचे। तो लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो, तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएंगे। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसे समझकर करो। तो दो टॉपिक पूरे हुए, अभी तीसरा टॉपिक। कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहो वह कर सकते हैं, इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त कराने की राय देते हैं। तो कुमार अर्थात हिम्मत वाले, शक्तिशाली, साहस जिन्न है। संडे की मुरली, दीदी से मुलाकात, हिम्मत औषधि का काम करती है। करेज वर्क्स एज मेडिसिन। हिम्मत क्या करती है? औषधि का काम करती है। बाप दादा बच्चों के सेवा का उमंग और हिम्मत देखकर खुश होते हैं। हिम्मत औषधि का काम करती है। औषधि किसको दी जाती है? जो बीमार है। तो हिम्मत भी औषधि है, वो बीच में ही आ गया था वाक्य उस मुरली में। तो कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहे वह कर सकते हैं। जो किसी एक ने कर दिया हम भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। एक विजयी बना है तो हम भी विजयी बन सकते हैं, एक मायाजीत बना है तो हम भी मायाजीत बन सकते हैं। किसी एक व्यक्ति ने जो कर दिखाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, विकारों को जीतना हो या और कुछ हो, विजयी मायाजीत भव। मंजू बहन कौन बन सकता है विजयी मायाजीत? अच्छा, ओ आज नहीं सुनाई क्या? ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति क्या करती है? जैसे वो करंट होता है, जैसे किसी को यदि वो करंट लग गया तो दूर से व्यक्ति फेंका जाता है और उसको शॉक लगता है, वैसे ईश्वरीय शक्ति का अगर करंट है तो वो भी माया जिससे दूर फेंकी जाती है। परंतु करंट का आधार कनेक्शन है, करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते बाप से अटूट कनेक्शन हो तो माया दूर फेंकी जाएगी, उसको ऐसा शॉक लगेगा शिवानंद भाई कि माया दूर फेंकी जाएगी। इलेक्ट्रोक्यूशन इंग्लिश में कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इलेक्ट्रोक्यूशन, डेथ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। नहीं सीता, उसको इतना 1000 वोल्ट का करंट हाथ लगाए और उसको ऐसा करंट लगे। कनेक्शन टूट गया तो माया ही करंट लगाएगी। तो कनेक्शन, करंट का आधार है कनेक्शन। कनेक्शन अटूट हो तो माया दूर फेंकी जाएगी, उसी से ही फिर विजयी माया जीत बनेंगे। तो हिम्मत, कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहे वह कर सकते हैं, इसीलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। राय साधनों द्वारा, इसमें सिद्ध लिखा है पर सिद्धि होगा, सिद्धि को, सिद्ध को प्राप्त लिखा है, सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कहीं बाबा राय देते हैं, कहीं सजेशन देते हैं, कहीं एडवाइस करते हैं, कहीं फरमान निकालते हैं, कहीं ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहीं आज्ञा, कहीं ऑर्डिनेंस, कहीं फरमान, कहीं राय, कहीं देखो जितना हो सके मुझे याद करो। ये बहुत ही सहज काम है। कल की मुरली लास्ट लाइन।
याद करो बस। हाँ बस और कुछ नहीं, एकमात्र उपाय है कल की मुरली, एकमात्र उपाय है मुझे याद करो। कभी कहते हैं देखो जितना हो सके बात को याद करो, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी उस अनुसार। तो हिम्मत वाले जो चाहे वह कर सकते हैं। अभी अभी हम एक कविता पढ़ रहे थे, ये बहुत अच्छी कविता है, शिव मंगल सिंह सुमन, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि है शिव मंगल सिंह सुमन, सुना होगा इनका नाम। वो लिख रहे हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कहाँ घुमा दो नाव को? तूफानों की ओर। हे केवट, हे मांझी, हे नाविक, हे खिवैया, कहाँ घुमा दो नाव को? तूफानों की ओर। उस ओर नहीं घुमाओ जहां तूफान नहीं है। कितना अदम्य साहस है अंदर भरा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, हे केवट, हे मांझी, कहाँ घुमाओ? तूफानों की ओर। आज सिंधु ने विष उगला है, सिंधु ने आज विष को उगला है, पर हम डरते नहीं है उस विष से। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, लहरों का भी यौवन भड़का है, आज मचला है, उफन पर है सिंधु। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। उस सिंधु में तो ज्वार उठा है, ज्वार अर्थात सूर्य के, चंद्र के आकर्षण से सूर्य सागर की लहरें जो ऊपर उठती है उसे ज्वार कहा जाता है। आज हृदय में भी ज्वार उठा है तो सिंधु में भी ज्वार उठा है। सिंधु में ज्वार उठना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हृदय में भी ज्वार उठा है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, साथ साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। इसके लिए नाविक तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कभी कभी मिलता है ऐसा तूफानों का प्यार, हमेशा तो जीवन में शांति बनी रहती है, यहाँ डेली तूफान है। इसके लिए तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। ये जो असीम सागर है इसकी, वो भी अपनी सीमा को जानता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। क्या पहचाने कि मिट्टी का ये जो पुतला मानव है कभी न, उसने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले साथो सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। प्यार किससे है? तूफानों से। नाव को कहां घुमाना है? तूफानों की ओर। उसकी अपनी क्षमता है, हम उसकी क्षमता को, उसके इस ज्वार को देखकर डरे नहीं, क्योंकि साथ साथ ज्वार उठा है, इस हृदय में भी ज्वार उठा है। इसके लिए डरना नहीं है। तो कुमार अर्थात हिम्मत वाले जो चाहो वह कर सकते हैं, इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात, टॉपिक चेंज, कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहां जाएगी? जैसे कि मछली, उसका संसार ही पानी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब और पानी ही पानी है, वही उसका संसार है। जब एक ही हो गए तो एक की ही याद रहेगी ना, एक के हो गए, एक की ही याद, एक के ही प्रति समर्पण भाव, एक से ही सर्व संबंध, एक के प्रति ही, एक ही आधार, एक ही बल, एक ही भरोसा, एक से ही सब लेना देना, सब कुछ एक से। तो जब एक ही हो गए
तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज है, अनेकों से तो छूट गए। एक में ही सब समाये हुए हैं, एक में ही समा जाना, एक से ही प्यार, एक की ही याद, एक की ही सेवा, सदा हर कर्म, ये यहां पूरा हुआ, सदा हर कर्म से सेवा करनी है, हर कर्म से सेवा करनी है। उस दिन बोला ना, पांच स्वरूपों का जो तुम्हारा चित्र है वो है किसका, आचार व्यवहार का वो चित्र है। पांच, देखना, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा करो, न बुरा सोचो, वहां है ना, यहां है हाँ, सर्विसेबल अर्थात सेवा सेवा सेवा। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा करना, हमारा सोचना, हमारा चलना, हमारा घूमना, कल भी मुरली में था ना, चलते फिरते घूमते, याद करो, यही सेवा भी है। तो सदा हर कर्म से सेवा करनी है। चांस नहीं मिल रहा है सेवा का, ये बहाना कोई नहीं दे सकता है। जहां है वहां सेवा करनी है। जब मधुबन में है तो मधुबन में सेवा, जब सेंटर पर है तो सेंटर पे सेवा, जब कहीं और गए हैं तो वहां सेवा। हर कर्म सेवा हो, दृष्टि से, मुख से, सेवा ही सेवा। महारथी विशेष आत्माओं की सेवा कौन सी है, दीदी से मुलाकात, संडे की मुरली, मस्तक मणि से और नैनों से क्या करो, ब्लेसिंग दो, वरदान दो। दृष्टि से, मुख से, सेवा ही सेवा, मुख से भी सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कर्म में बाप और सेवा सदा साथ रहे, हर कर्म में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, मुरली है 10 अप्रैल 84, कुमारों से मुलाकात। कुमार जीवन में बच जाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने झंझटों से बच गए कुमार, अर्थात बंधन मुक्त आत्माएं। कुमार जीवन बंधन मुक्त जीवन है, लेकिन कुमार जीवन में भी फ्री रहना माना बोझ उठाना। कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो। हमको याद आ रहा है जब हमारी एमडी की एग्जाम थी, एमडी की एग्जाम में वाइवा होता है, वाइवा पता है ना, मौखिक प्रश्न उत्तर। तो हम जब गए, वो तीन चार एग्जामिनर बैठे थे, तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा, ये बैच किसका है। तो हमने कहा था ब्रह्मा कुमारीज का, तो हमारा पूरा वाइवा ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर था। उधर का पूरा छूट गया था। ब्रह्मा कुमारीज में जो वहाँ के मकान है वो कैसे बने हैं, उसमें एयर वेंटिलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, पूरा वाइवा उसके ऊपर। लास्ट में फिर एक या दो प्रश्न पूछे, तो वाइवा पूरा इधर उधर से इधर चला गया। तो लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, इसलिए यह साधन है। ऐसे समझ कर करो। कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहे वह कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, ऐसा नेपोलियन ने कहा था कभी। तो कुमार अर्थात हिम्मत वाले, जो चाहे वह कर सकते हैं। इसलिए बाप दादा सदा साधनों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहां जाएगी। जब एक के ही हो गए तो एक की ही याद रहेगी, एक के ही हो गए तो स्वतः ही एक की याद रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। एज सर्टन एज डेथ, आज की मुरली में एक शब्द आया है,
उतना ही निश्चिंत जितना कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु निश्चिंत है। तुम्हें स्वर्ग की बादशाही या राजधानी तुम्हारी आने वाली है, ये उतना ही निश्चिंत है जितना एज सर्टन एज डेथ, अंग्रेजी के शब्द बाबा ने कहे आज। निश्चिंत हम निश्चिंत है कि जो होने वाला है वो निश्चित है, इस निश्चय से निश्चिंत है, ऐसा कभी स्लोगन था। तो एज सर्टन एज डेथ, एज श्योर एज डेथ, जिसको कहते हैं इंग्लिश की कहावत, जब एक के ही हो गए तो पूर्णिमा बहन एक की ही याद रहेगी, और एक को ही याद करना बहुत सहज है, अनेकों से छूट गए, झंझटों से छूट गए, मिलन मनाने वाले झंझटों से झमेले से छूट जाते हैं। एक में ही सब समाये हुए, सदा हर कर्म से सेवा करनी है, दृष्टि से मुख से सेवा ही सेवा, जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है, हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। अच्छा, मुरली है 10 अप्रैल 1984। अगले कल का तो फिक्स है ना, अरविंद भाई, नागेश भाई, अरविंद भाई, और संडे का निखिलेश भाई, पूर्णिमा बहन, और अगले फ्राइडे और सैटरडे का मम्मा का डॉक्टर हीना, मम्मा का फ्राइडे को बचपन से लेकर तो बचपन, ईश्वरीय बचपन का संपूर्ण वर्णन, ज्ञान में कैसे आए, बचपन का जीवन कैसा था, ज्ञान में कैसे आए, ज्ञान में आने के बाद यज्ञ की कैसे पालना की, तो अंतिम श्वास तक, देहावसान तक, 24 जून 1965 तक जीवन कहानी संपूर्ण, और सैटरडे को ये ना प्रभाकर भाई, मम्मा की वाणी, उनको बता चुके हैं ऑलरेडी, मम्मा की वाणी, अर्थात मम्मा की वाणी कैसी थी, भाषण शैली, बोल कैसे थे, वाणी कैसी थी, उसके ऊपर। और अगला ये संडे छोड़कर जो अगला संडे आएगा, सुशील भाई, पूरे संडे की पूरी मुरली और मुरलियों का रिवीजन, 7 दिन का अकेले, ठीक है, 7 6 मुरलियां 6 स्लोगन 6 वरदान, और कमेंट्री किसको करना है वो बाद में बताएंगे। ओम शांति। हाँ,